क्या हाल है ब्रोस, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ माय 7 डेज 7 वीडियोस चैलेंज। और कंसिस्टेंसी देख रहे हो लोंडे की, यानी कि मुझे खुद भी नहीं यकीन आ रहा कि मैं एक साथ इतनी वीडियोस अपलोड कर सकता था। खैर, ओनली 5 मोर वीडियोस टू गो। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर। देखो जैनीज, ये वीडियो मैंने बनानी थी न्यू ईयर्स के ऊपर, हाउ टू अचीव योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के नाम से, लेकिन न्यू ईयर्स के साथ आया मेरे पेपर्स का तोहफा और मैं तब तो नहीं बना सका, लेकिन आई गेस इट्स बेटर लेट देन नेवर। तब नहीं तो अब तो बना सकता हूँ ना ब्रो। डिस्क्लेमर खत्म। गोल्स बनाते तो सब है, लेकिन पूरे कोई नहीं करता। अब से कुछ अर्सा पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोल किया और उससे पता चला कि 90% से भी ज्यादा लोग अपने गोल्स अचीव करने में फेल हो जाते हैं, और मैंने भी कभी कोई मेजर गोल अचीव नहीं किया। तो इस साल मैंने किया फुल रिसर्च, और जानी हमें मालूम हुआ है कि सिर्फ 8% लोग अपने ट्रू गोल्स अचीव करने में कामयाब होते हैं और 92% फेल हो जाते हैं, और उन 92% में से 80% लोग तो पहले 30 दिनों में ही फेल हो जाते हैं। And statistics never lie. मजाक नहीं है bro. Goals and goals. खैर भाई, सवाल ये है कि इसका हल क्या निकाला जाए और किस तरह अपने आप को अपने goals और resolutions की मंजिल पर पहुंचाया जाए। और I think I may have found the answer to this. देखो भैया, goals की एक ही दिक्कत है, बनाना बहुत आसान होते हैं और अचीव करना बहुत मुश्किल। So the first step will be to make realistic goals, जिनका हमें यकीन हो कि हम अचीव कर सकते हैं। खैर भाई, अब इंसान की जिंदगी में दो तरह के गोल्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल से मुराद ऐसे गोल्स हैं जो हम कम टाइम में अचीव नहीं कर सकते, मसलन घर या गाड़ी लेना। और फिर आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, ऐसे गोल्स जो हम कम टाइम में अचीव कर सकते हैं, और ये गोल्स हमें अपने बड़े गोल्स के करीब से करीब तर लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इस साल का गोल इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है, और अब ये रियलिस्टिक तो है लेकिन एक दो दिन में अचीव नहीं हो सकता। So this is a long-term goal. और अब इस गोल को अचीव करने के लिए I will make some short-term goals like improving my quality, improving my editing skills, improving my storytelling and uploading daily vlogs. और इन सब छोटे-छोटे गोल्स को थोड़ा-थोड़ा अचीव करके ही I can achieve my ultimate goal of 1000 subscribers. So basically your second step will be to make a tree diagram and list all the small goals that can easily be achieved and help us move towards our bigger goals. खैर भाई, step 3 will be to have some sort of numerical data to monitor your progress. For example, instead of saying कि मुझे इस साल वजन कम करना है, say मुझे इस साल 5 किलो वजन कम करना है। उससे होगा ये कि it will be more achievable or you can measure your weight every month to monitor your progress. एक और चीज जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि अपने गोल्स के साथ स्पेसिफिक डेट्स और डेडलाइंस असाइन कर लें। फॉर एग्जांपल, अपने यूट्यूब वाले गोल को अचीव करने के लिए आई विल अपलोड 7 वीडियोस इन 7 डेज एट लीस्ट वंस इन 3 मंथ्स। स्टेप नंबर 4 ये कि भैया अपने करीबी दोस्तों को अपने सारे गोल्स बता दो। उससे होगा ये कि जब तुम क्विट करने लगोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जब मैं अपने चवल दोस्तों के पास जाऊंगा तो भैया बड़ी गंदी होगी, सो यू माइट एंड अप नॉट क्विटिंग। So these were the few simple steps that I think have the potential to get us to the 8% of the people who actually achieve their goals. इसमें और भी बहुत से factors हैं such as patience, लेकिन उनको हम नहीं touch कर रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा time लग गया guys. खैर जानीज, I'm really sorry कि ये video थोड़ी छोटी है, लेकिन मेरा बड़ा busy schedule चल रहा है। मैंने अभी कल की video भी edit करके upload करनी है, जो I'm sure तुम लोगों ने देख ली होगी, और उसके बाद मैंने ये वाली video भी upload करनी है, so I'm a head out. Peace out. Rhyme कर गया।